सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मजबूल। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, वो टॉपिक्स बताने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं जो वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम है कि मेरा जो अभी स्क्रीन जो दिख रहा है उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मेरा जो वीडियो बहुत ही कम लेट आ रहा है। और आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ कि आज का टॉपिक है YT स्टूडियो को डार्क मोड में कैसे इसको एनेबल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना प्ले स्टोर खोल लेता हूँ, क्योंकि बटन स्क्रीन काम नहीं करने की वजह से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन खोलूँगा। तो आपको भी अगर इस तरह कभी प्रॉब्लम आता है तो आप भी यहाँ से खोल सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको YouTube स्टूडियो पे ले जाता हूँ। YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। और YouTube स्टूडियो को ओपन करने के बाद अगर आपको डार्क मोड एनेबल करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ जो इस YT स्टूडियो को सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल लोगो होगा, इसको आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और नीचे यहाँ पे रहेगा एफ्रियंस, तो यहाँ पे डार्क थीम है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे आपको एनेबल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो मैं टच करके थोड़ा सा दिक्कत होगा तो टच कर लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से काम नहीं कर रहा अभी मेरा मोबाइल, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे एफ्रियंस वाला जो है, तो यहाँ पे अभी डिसेबल है। तो क्या करना है आपको, इसको एनेबल कर लेना है, क्योंकि मेरा जो अभी टच जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा टच काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और काफ़ी मेहनत से मैंने इस वीडियो को तो भी बना दिया है फिर से। सो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो कम लेट आने वाला है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर डिवाइस अच्छा होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।